में लगता है कि उसमें निर्दोष लोगों का भी नाम दिया गया। ओसामा उस दिन नहीं था, घटना के दिन। हाँ, निर्दोष है। उस दिन वह विदेश में था, दुबई में था, और उसके बाद से उसकी परीक्षा थी, दिल्ली में था। चुनाव के 15-20 दिन पहले से वह सिवान से बाहर था। उसका नाम घसीटा जा रहा है अपने राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए। निश्चित रूप से हम जिला प्रशासन से और सरकार से अनुरोध करेंगे कि निष्पक्ष होकर इसकी जांच हो और किसी के बाल बच्चे को फंसाया न जाए, उसकी कैरियर समाप्त न की जाए। निश्चित रूप से उनके पिता जो कुकृत किए वो अपने साथ लेकर गए। उनका लड़का से अभी तक हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन जो सुनने में आता है वह लड़का निश्चित रूप से निर्दोष है, और जो दोषी है प्रशासन चिन्हित करे और शिकंजे तक पहुंचाए, जेल के शिकंजों में कसे, ताकि भय मुक्त अपराध मुक्त सिवान बन सके। और इसके लिए लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। देखिए, MLC चुनाव में उस AK-47 का प्रचलन तो नहीं था, और न किसी वोटर को धमका करके, अब तो वह परंपरा ही समाप्त हो गई कि वोटर को धमका करके आप। मैं स्नेहा गुप्ता, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। सिवान के बाहुबली पूर्व सांसद दिव्यंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के कभी घोर विरोधी रहने वाले पूर्व सांसद सब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष यानी कि ओम प्रकाश यादव इन दिनों शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर प्यार उमड़ रहा है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ओसामा के पक्ष में खड़े हो गए हैं। उन्होंने मीडिया के कैमरे पर बयान देते हुए कहा है कि ओसामा MLC चुनाव के पहले ही सिवान से बाहर जा चुके थे। वह MLC प्रत्याशी रईस खान के ऊपर गोली नहीं चलाए हैं, ये उनके खिलाफ एक साजिश है और उन्हें फंसाया जा रहा है। ओम प्रकाश यादव ने जिला प्रशासन से मांग की है कि निष्पक्षता इसकी जांच हो और किसी के बच्चे को यूं फंसाया ना जाए। शहाबुद्दीन चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन उनकी कुकर्मों की सजा उनके पुत्र को नहीं मिलनी चाहिए। आप भी सुनिए ओम प्रकाश यादव ने क्या कुछ कहा है। निर्दोष लोगों का भी नाम दिया गया। ओसामा उस दिन नहीं था, घटना के दिन। हाँ, निर्दोष है। उस दिन वह विदेश में था, दुबई में था, और उसके बाद से उसकी परीक्षा थी, दिल्ली में था। चुनाव के 15-20 दिन पहले से वह सिवान से बाहर था। उसका नाम घसीटा जा रहा है अपने राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए। निश्चित रूप से हम जिला प्रशासन से और सरकार से अनुरोध करेंगे कि निष्पक्ष होकर इसकी जांच हो और किसी के बाल बच्चे को फंसाया न जाए, उसकी कैरियर समाप्त न की जाए। निश्चित रूप से उनके पिता जो कुकृत किए वो अपने साथ लेकर गए। उनका लड़का से अभी तक हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन जो सुनने में आता है वह लड़का निश्चित रूप से निर्दोष है, और जो दोषी है प्रशासन चिन्हित करे और शिकंजे तक पहुंचाए, जेल के शिकंजों में कसे, ताकि भय मुक्त अपराध मुक्त सिवान बन सके। और इसके लिए लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। देखिए, MLC चुनाव में उस AK-47 का प्रचलन तो नहीं था, और न किसी वोटर को धमका करके, अब तो वह परंपरा ही समाप्त हो गई कि वोटर को धमका करके आप। तो सुना आपने, रईस खान पर जानलेवा हमले के बाद अब सिवान में जो ये मामला है बहुत तुर पकड़ा हुआ था। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब पर प्राथमिकी के बाद उनकी माँ ने अपने साथ नाइंसाफी होने पर सिवान छोड़ने की बात कही थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रईस ने आरोप लगाया था कि सिवान छोड़ने की धमकी देने वाले चाहते हैं कि मैं इस्लाम छोड़ दूं। अपने ऊपर जानलेवा हमले की निंदा करते हुए खान ने यह भी कहा था कि मैं बेवकूफ नहीं हूं कि किसी को भी फंसाऊंगा। राजनीति करने का सबका अधिकार है। मोहम्मद शहाबुद्दीन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कह दिया था कि तब चुनाव के दौरान उनके
उन्होंने मेरे पिता के का अपहरण करवाया था। उन्हें के इशारे पर मेरे पिता को 5 गोली मारी गई थी, लेकिन शुक्र है कि वो बच गए। अब मेरे ऊपर भी कातिलाना हमला किया गया है, साथ में पुलिस जांच में सब साफ हो जाएगा। तो रईस खान के ये आरोप थे उसामा पर, लेकिन बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने उन सब दावों की धज्जियां उड़ा दी है और उन्होंने कह दिया है कि चुनाव के समय वो उसामा चुनावी मैदान में नहीं थे, एम एस सिवान में नहीं थे और उनको फंसाया जा रहा है। अब इसके बाद क्या कुछ होगा राजनीतिक गलियों में, ये देखना लाजमी होगा। मैं स्नेहा गुप्ता आपसे याद लेती हूँ और इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज देखते रहिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।